किसानों की टोलियाँ ये गन्ना संस्थान में इन लोगों ने जो खड़ी कर रखी थी, तो मैंने कहा कि जो भी किसानों के सॉरी धान हैं वो उसका तौल होगा, इसके हमें जो है डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, खतौनी है, आधार कार्ड है, किसान की गाड़ी है, और उसमें ये वक्त कितनी टोलियाँ हैं तो उसको कैसे मैनेज देगा, जिससे कि जो हमारे कांटे वाले भी चल रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा कांटे का हमने आश्वासन दिया है कि 3 कांटे हमारे जो है आमगंज में हैं, 3 कांटे सफरगंज में और 2 कांटे फतेहगंज में, उन्हीं में ही एक्स्ट्रा कांटे पर ही तौर होगी, जिस जो समय लगेगा वो इनको जो है क्लियर करना। सर लगातार इस तरह की समस्या आ रही, किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए आप ये जान रहे हैं कि इसकी जो भी है हमारा 1 कांटा 300 क्विंटल तौल सकता है, और यहाँ पर सभी किसान बंधुओं से लोग कटिबद्ध हैं कि हम उनका धान तौलेंगे, ऐसी चीज़ें हैं, अनुरोध है कि वो सभी लोग अपनी अपनी प्राली पे पहुँचे हैं, और इसमें जो ये प्रॉब्लम सूची आई है उसका सलूशन इससे सूची का कार्य करवाया। आज की वार्ता से किसान खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है भाई, किसान क्या चाहे, किसान तो यही चाहेगा ना कि साहब हमारा जो है धान थोड़ा है और धान अब लगता होगा। बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी ना, अभी जो हम लोग अध्यादेश का विरोध कर रहे थे वो उसका कारण ये है, आज जो दिक्कत झेलने मिली है कल क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी ना भैया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो क्या कहेंगे, टमाटर बोल दो बोल नहीं है, ये मार्केट में बिक नहीं पाएगा, कई कारण दिखा के हमको चूतिया बनाया जाएगा बार बार, इसलिए हमारा विरोध था। आज देखिए उस अध्यादेश से हमें कोई लाभ मिला हम चुनाव, अभी बिहार में चुनाव था तो देखिए गाड़ी कहाँ आ सकती है, लोगों ने जोर जोर चुनाव होता है कोई इलाज कम भैया काली लग के आ रहे हैं क्या, आसन नहीं मिला है, कल से ही जो है 8 कांटे भारतीय किसान यूनियन भानु के जो किसान भाई हैं उनको दे रहे हैं, 3 कांटे यहाँ मंडी में नवीन मंडी में और 3 कांटे सफदरगंज में और 2 कांटे फतेहपुर में, जो एक्स्ट्रा कांटे हैं जो हमारे किसान भाई जिनके धान यहाँ पर लगे हुए हैं यही धान तौल वहाँ पर की जाएगी नंबरिंग के हिसाब से। क्या लगता है कि किसान संतुष्ट है? अब जो हमारे साथ में किसान भाई थे मैंने इनसे पूछ कर ये लिया है फाइनल डिसीजन कि हाँ अगर आप संतुष्ट हो तो हम संतुष्ट हैं, जो किसान भाइयों ने नहीं धान सही से तौला जाता है तो क्या करें, अब धान जब कांटे मिल जाएंगे, कांटे हमारे हैं जितनी तौल जो कांटे का मानक होता है उसके साथ वक्त तो लगेगा, 400 ट्राली 500 ट्राली धान है एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, ये हम भी जानते हैं हमारे किसान भाई भी जानते हैं, लेकिन ये कम से कम ये तो पक्का है कि हमारा धान तौल जाएगा, 2 दिन में हमारा धान तौल जाएगा, 3 दिन में हमारा धान तौल जाएगा, ये फाइनल तो हो गया। यानी आज की वार्ता से आप और आपके किसान जो हैं खुश हैं? अब आप किसान भाई से हमारे पूछ लीजिए, क्यों भैया बताइए आप लोग संतुष्ट हैं ना? ठीक है।